हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन. ओके, दिस इज योर लास्ट लेक्चर ऑन मोड, राइट? मीन मीडियन मोड का ये चैप्टर चल रहा है, ये लास्ट लेक्चर है. इसमें एक ही टॉपिक है, दैट इज मोड. मोड आपके रॉ डेटा के लिए तो आप निकाल चुके हो, क्लास 6 7 8 में भी आपने पढ़ा होगा मोड निकालने का, ठीक है? लेकिन ग्रुप डेटा में मोड कैसे निकालते हैं वो आपको जानना है. ओके, तो ये आप जो है ध्यान से सुनिएगा. मोड मतलब क्या होता है? हर एक चीज का, जो भी चीज है, अगर वो चीज कंटिन्यूअसली मैक्सिमम टाइम जो है रिपीट हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं, ठीक है? तो अगर इन केस ये वाला मैं देखता हूँ, रॉ डेटा को अगर सपोज मैंने लिया, ये आपका क्या है? डेटा है. ओके, इसमें आपको जो है कोई असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जचा के नहीं करना है, ठीक है? आपको यहाँ पर देखना है 4 जो है कितना बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 टाइम्स ही रिपीट हुआ है. ओके, 7 आपका कितना टाइम हुआ है, 1 2 3 4 बार रिपीट हुआ है. ओके, फिर 3 तो दिख ही नहीं रहे, एक ही है, 2 भी 1 है, 6 भी 1 है, 8 भी है, तो सबसे ज्यादा कौन रिपीट हुआ है? 7. तो इसका मोड क्या होगा? 7. ओके, मोड होगा 7. कितना बार रिपीट हुआ है वो मोड नहीं होगा. 7 जो है 4 बार रिपीट हुआ है, बहुत लोग जो है यहाँ पर गलती कर देते हैं, ठीक है? 7 जो है कितना बार रिपीट हुआ है? 4 बार, तो मोड 4 लिख देते हैं, ठीक है? वो नहीं है. मोड कितना बार रिपीट हो रहा है वो नहीं है. मोड कौन जो है कितना बार रिपीट हो रहा है वो है, ठीक है? तो मोड इज 7. 7 इज रिपीटेड 4 टाइम्स. ओके, सो मोड विल बी 7. ये तो आपने लोअर क्लास में पढ़ा था. ओके, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे. ओके, ये क्वेश्चंस नहीं आएगा, वो तो इजी है. ओके, आपके ग्रुप डेटा के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? ग्रुप डेटा में जो है किस तरीके से मोड निकालना होता है वो आपको जानना है. तो इसमें आपका चैप्टर नंबर 23 काम आएगा. ओके, चैप्टर नंबर 23 में हमने हिस्टोग्राम बनाना सीखा था, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर भी हिस्टोग्राम बनाना सीखेंगे. ओके, हिस्टोग्राम बनाओगे तभी जो है आपको पता चलेगा. क्लियर? कैसे देखते हैं. पहले आप हिस्टोग्राम बनाओगे इसका. मैं जो है 0 to 10 आपका कितना है फ्रीक्वेंसी, इस तरीके से आपको टेबल तो पहले बनाना ही है. क्वेश्चन जो भी है आपको ये तरीका जो है अपनाना ही पड़ेगा, ठीक है? 0 से 10 कितना है फ्रीक्वेंसी? 5. 10 से 20 कितना है? 12. ओके, 20 से 30 कितना है? 20. ओके, 30 से 40 कितना होगा? 9. और 40 से 50 कितना है? 4. ठीक है, वो चीज आपको पहले बना देना है, ठीक है? इसको फिर आपको हिस्टोग्राम में बनाना है. हिस्टोग्राम हम ग्राफ पेपर में बनाते हैं. ओके, हिस्टोग्राम इसके लिए आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाने होंगे. ओके, तो ये मैंने जो है एक्स एक्सिस बना दिया और यहाँ पर, सॉरी, ये मैंने वाई एक्सिस बनाया है. ओके, और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, एक्स एक्सिस बना दूंगा, राइट? ये सपोज मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया. 0 जो है आपका ओरिजिन है, राइट? जहां पर एक्स और वाई एक्सिस मिलते हैं, तो ये मेरा पॉइंट होगा क्या? 0. और यहाँ पर ये होगा 10, ये होगा 20, ये होगा 30, ये होगा 40, ये होगा 50, ये होगा 60, ठीक है? यहाँ पर आप देखोगे, ये देखो 5 12 20 9 4 है. ओके, तो हम लोग कैसे करेंगे, जो आपका ग्राफ थोड़ा सही रहेगा, दो दो का करते हैं, ठीक है? दो दो का करेंगे तो हो जाएगा, 2 होगा यहाँ पर, 4 6 8 10 12 14 16 18 20. ओके, हाँ, तो 0 से 10 मुझे याद दिलाइएगा, 0 to 10 कितना है? 5 है. 10 से 20 12 है. 20 से 30 20 है. 30 से 40 और 40 से 50 फिर और नहीं है ना. तो 0 से 10 हम लोग जो है कंटिन्यूअस हिस्टोग्राम बनाते हैं. 0 से 10 है आपका 5, ठीक है? तो 5 आपका यहाँ पर होगा, ये मैं जो है
0 से 5, 0 से 10 आपका 5 है, फिर 10 से 20 कितना है, 12, ये 12 रहा, ठीक है। तो आप इसको 10 से 20 और ऊपर ले जाइए, हो गए। ये जो है 12 होगा, क्लियर। फिर 20 से 30 है आपका 20, इसको और ऊपर लेके जाइएगा, कहाँ तक, 20 तक, ओके। फिर ये आप मिला दीजिएगा, ओके। फिर 30 से 40 है 9, 9 मतलब यहाँ बीच में होगा, मतलब ये ओके। और 40 से 50 होगा 4, मतलब यहाँ, ये होगा। समझ में आया आपको? राइट, समझ में आया। तो ये यहाँ पर आप लिख दीजिएगा क्या बताना चाहते हो। यहाँ पर क्या है, 5 है, यहाँ पर कितना है, 12, यहाँ पर कितना है, 20, यहाँ पर कितना है, 9, और यहाँ पर कितना है, 4, ओके। यहाँ पर है 4, इसको थोड़ा ज्वाइन कर दीजिएगा, ओके। अब आपको मोड निकालना है। मोड निकालने के लिए पहले आपको क्या करना है, मॉडल क्लास निकालना है, ठीक है। मॉडल क्लास क्या होगा, जो सबसे ज्यादा होगा ये होता है मॉडल क्लास। तो यहाँ पर मॉडल क्लास क्या है, मॉडल क्लास क्या है, 20 से 30, 20 से 30 आपका सबसे ज्यादा है ना, 20 है, हाँ। तो ये होता है मॉडल क्लास, ठीक है। मॉडल क्लास के प्रीवियस क्लास क्या है, प्रीवियस क्लास, प्रीवियस क्लास आपका है 10 से 20, और नेक्स्ट क्लास आपके मॉडल क्लास के नेक्स्ट क्लास क्या है, 30 से 40। समझ में आया? तो आपको क्या करना है, आपको जो है एक कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन इन द सेंस, ये आपका मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास का अपर लिमिट, अपर लिमिट कितना होगा, 30। अपर लिमिट से आपको क्या करना है, अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास ज्वाइन कर देना। ज्वाइन किया मैंने, किया ना, रुको 1 मिनट, एक बार बात करते हैं। हो गया। और जो आपका लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट को आपको लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास के साथ ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन कर दिया, हाँ। और ज्वाइन करने के बाद ये मेरा मीटिंग पॉइंट है, ये मेरा मीटिंग पॉइंट है ना, हाँ। ये मीटिंग पॉइंट से आपको एक लाइन परपेंडिकुलरली ड्रॉ करना है, ठीक है। ये लाइन से, ये पॉइंट से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलरली ड्रॉ किया। तो कहाँ पर गिरा वो, 24 में, ओके। 24 में जो है वो गिरा परपेंडिकुलरली, किस में गिरा, 24 में गिरा ना, हाँ। 20 और 30 के चौथे लाइन पे गिरा है, ओके। तो दैट इज 24। तो मीन यहाँ पर जो है आपको मोड, अगर बोलूँ तो मोड कितना होगा, 24 होगा, ठीक है। मोड कितना होगा, 24 होगा, क्लियर। समझ में आया आपको? तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट अ शूटिंग कंपटीशन, ओके, शूटिंग का कंपटीशन चल रहा है, द स्कोर ऑफ अ कॉम्पिटिटिव वाज गिवन बिलो, ओके। देर आर लाइक स्कोर 0, नंबर ऑफ शॉट्स कितने हैं, 0, ठीक है। स्कोर 1 है, नंबर ऑफ शॉट्स 3 है, स्कोर 2, नंबर ऑफ शॉट्स 6 है, इस तरीके से आपका है, ओके। आपको यहाँ पर पूछा है व्हाट वाज हिज मोडल स्कोर, मोडल स्कोर मतलब कौन से स्कोर में सबसे ज्यादा शॉट है। देखिए 4 में, 4 में सबसे ज्यादा है ना, नंबर ऑफ शॉट्स कितने हैं, 7। तो ऑब्वियसली आपका मॉडल स्कोर क्या होगा, अगर 1 देखूं तो मैं, मॉडल स्कोर क्या होगा, मॉडल स्कोर कितना होगा, 4, ओके।
फिर सेकंड बोल रहा है व्हाट वाज हिज मीडियन स्कोर। ओके, मीडियन स्कोर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर डायरेक्ट मेथड लगाना। ठीक है, तो पहले अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये स्कोर है और यहाँ पर नंबर ऑफ शॉट्स है। डायरेक्ट मेथड तुरंत लगा दोगे जल्दी हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल तो कैलकुलेशन है। दैट इज क्या एफ एक्स, स्कोर कितना है 0, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, और नंबर ऑफ शॉट्स कितने 0, 3, 6, 4, 7, 5। ओके, तो ये तो 0 ही रहेगा, ये 3, ये 2 × 6 = 12, 3 × 4 = 12, 4 × 7 = 24। ओके, 4 × 7 = 24। ओके सॉरी 28। ओके एंड 5 × 5 = 25। ओके, ये आपका एफ एक्स है। ठीक है, समेशन ऑफ एफ एक्स कितना होगा, 3 + 12 = 15, 15 + 25 = 40, 40 + 40 = 80, 80 होगा ना। समेशन ऑफ एफ एक्स इज 80। और नंबर ऑफ शॉट्स, ये आपकी फ्रीक्वेंसी होंगे, फ्रीक्वेंसी कर लीजिए 6, 3, 9, 9 + 4 = 13, 13 + 7 = 20, एंड 20, 25, ये होगा समेशन ऑफ एफ। ओके, ये समेशन ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो ये मीडियन बोला है, मीन स्कोर भी पूछा है। ओके, टोटल स्कोर, टोटल स्कोर तो कितना है, टोटल स्कोर कितना होगा 25, नहीं नंबर ऑफ शॉट्स इतने हैं, तो टोटल स्कोर ये होगा 80 होगा। ओके, टोटल मीडियन स्कोर हम लोग करेंगे। ठीक है, टोटल स्कोर कितना हो रहा है 80। ओके, और मीडियन स्कोर बाद में निकालेंगे, मीन स्कोर पहले निकाल लेते हैं। मीन स्कोर का फॉर्मूला क्या है, मीन स्कोर का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एफ एक्स बाय समेशन ऑफ एफ। समेशन ऑफ एफ एक्स कितना है 80, और समेशन ऑफ एफ कितना है 25। 80/25 कितना होगा आंसर 3.2, 3.2 होगा आपका मीन स्कोर। ओके, फिर आपको मीडियन निकालना है, मीडियन के लिए आपको क्या करना होगा, मीडियन के लिए आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी देखने होंगे, यही होगा फ्रीक्वेंसी, राइट, 0, 3, 6, 4, 7, 5, ये सब मिला के हमारा कितना आया 25 आया। ठीक है, तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी होगा। 25 मतलब क्या है, यहाँ पर ऑड है, और ऑड के लिए फॉर्मूला आपको पता है मीडियन का क्या होता है, n+1/2, n+1/2 मतलब 25 + 1, दैट इज 26, 26/2 कितना होगा 13th टर्म। ओके, 13th टर्म, तो यहाँ पर आपको देखना है 13th टर्म किसमें आ रहा है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखिए, ये है आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट इज 13। ओके, 13th टर्म किसमें आ रहा है, स्कोर आपका क्या रह रहा है 3, तो आपके मीडियन स्कोर क्या होंगे 3 होंगे। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आपको मॉडल स्कोर 4 मिला, मीडियन स्कोर 3 है, टोटल स्कोर आपका 80 है, और मीन स्कोर आपका 3.2 है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, राइट। सो दैट वाज योर लेक्चर ऑन आपका मीन मीडियन मोड का। ओके, एंड आई होप यू आर क्लियर विथ ऑल द कॉन्सेप्ट। थैंक यू।